अस्सलाम वालेकुम सारेयां भाईयां, की हाल ने? ठीक हो? अल्लाह पाक सारेयां ते रहम करन ते दन सारेयां अपनी हिफ्ज़ो मान च रखन। भाई जान, हुण शुगल मेला मतेरा हो गया, हुण मेरा दिल थोड़ियां जिहियां कोई सोशल गल्लां कर लिए, थोड़ियां इसलाह दियां कर लिए। अज मैं तुहान चंद करैक्टर दसां दा, असां सारेयां मरना है ते साढ़े जड़े हुण कोई मंडी सरगोधा गुजरात नहीं, कामन सारे वास्ते जदों जनाजा हुंदा ना भाई जी, ते कुछ करैक्टर बड़े खास हुंदे ने जड़े जनाजे उत्ते हुंदे ने, और तुसी हमेशा नोट करिया है वा वो इमीजिएटली अपने करैक्टर विच आ जांदे। अच्छा, वो की हुंदा है? हुण वेखो, खुशी उत्ते ते सिर्फ उन्हां लोकां ही होना हुंदा जिन्हें असीं बुलाईए, जिन्हें असीं इनवाइट करिए। लेकिन फौतगी या मरना एक ऐसी शै जिहदे उत्ते सारे बंदे आ जांदे ने, खास करके जनाजा पढ़न फर्ज कफाया, ते उहदे ते अखी मतलब ज़्यादातर मुण मुखालफ आउंदे ने या साडे शरीक आउंदे। हुण मुलक ढेर हुंदा, उहनां हुण अपने आपे दा दसणा हुंदा बस, हाईं एक वारी वेख लैण भाई असीं वी आए होए आं, ते उह की किवें महसूस कराते हैं असं आए हैं, किड़े किड़े वो पॉइंट ने जड़े मैं नोट किए। लेकिन उस तो पहला पॉइंट दसने तो पहला मैं दो चीज़ा रिक्वेस्ट करा दा। मेरा मकसद कभी भी किसी इंसान की इस ते नफ्स न मजरूह करना या किसी भी इंसान की बेइज्जती करना, अल्लाह पाक दे सारे इंसान बराबर ने, कदे भी नहीं रहा। तो नाले सरगोधे के बारे गल करना या किसी के बारे भी गल करना नहीं। हाँ, मंडी बाउदीन मेरा अपना घर है, मैं अक्सर उसके बारे जिक्र करता और अक्सर दोस्तों नाल, मतलब यूनिवर्सिटी टाइम भी उंज भी जितने मेरे दोस्त मैं जान देन, मैं शुगल मेला लांदा रहा आई और बाकी सारे भी पता है। चलो मैं थोड़ा उसको तहरीर की शक्ल चो दस दिता, बट एनीवेज भाई आई एम रियली रियली सॉरी। सरगोधे के बारे लिखना मेरा बड़ा इमीजिएट रिएक्शन आई, वो इस तो बाद मेरे कुछ मतलब परसनल लोग आ जिन्हें मैं दसिया बा, उन्होंने बहुत ज़्यादा वो मेरी पोस्ट की वजह तो निशाना बना रहा बनाया जा रहा। चलो मैं थोड़ा शुगल हाँ, बट एनीवे नैक्सट टाइम मैं कोशिश करा था मेरी कोई पोस्ट किसी ज़िले किसी एथनीसिटी किसी भी बंदे दे खिलाफ ना हो। हाँ, लेकिन शुगल वालिया मैं सा लासा भाई जी दुआन चाह सी। लेकिन उस तो पहला अपना थोड़ा जहा इंट्रोडक्शन दे ला भाई जी, मेरे लोके दे मेरे इलाके दे सारे बंदे जान देन। मेरे वालद साहब प्रोफेसर ने, कॉलेज के प्रिंसीपल रिटायर ने, मेरे वड्डे चाचू डॉक्टर ने, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे, फौत हो गए। मेरे छोटे चाचू SDO इस्लामाबाद ने, मेरे सारे कज़न चाचियां दे पुत्र पत्रेर डॉक्टर ने, प्रोफेसर ने, टीचर ने, और सारा इलाका जान दे अलहमदुल्ला मेरी बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली। हाँ, ईवन मिसिज इत जर्मनी डॉक्टर ने। लेकिन है कि मेरा स्टाइल गल करन दा सारे बड़ा शुरू तो इतराज़ किया, भाई यार तू किवें जंगलियां और बोलने आर्श है, बट हकीकत है भाई जान, मेरे घर च उर्दू बोलने का बड़ा ट्रेंड आई, बट मैं अपने दादा जी ने बड़ा एडमायर करता ही और हमेशा मेरा दिल करता ही उन्होंने स्टाइल में कापी करा। और मैं स्पेन रहा, मैं स्वीडन लून यूनिवर्सिटी पढ़िया, नॉर्वे में रहा, सारे पता जे जे मैं जान देन। हूँ मैं जर्मनी हाँ भाई जी, इतनी अलहमदुल्ला मैं लैंग्वेज बोलदा, बट स्टिल मैं अपने मंडी वाले लहजे जिन्ना चिर गल ना करा मैं स्वाद नहीं हूँ। मेरे बच्चे ने इतने मैं उन्होंने भी कोशिश करना वा पंजाबी बोलन, चाहे उन्होंने अम्मा ने इतराज ही क्यों ना हो। चलो एनीवे थोड़ा जहा तारफ हो गया, तो बाकी जड़े कुछ तहकीक करते फिरते कादिया यूनिवर्सिटी के बारे उन्होंने मैं दसदा चला भाई जी, 2004 तो लैके तो 2008 तक मेरा कादिया यूनिवर्सिटी में टाइम है MSc का और MPhil का। रिजवान उमर गोंदल सारे तुम जानते हो, SDO पाक पतन, वो मेरे डायरैक्ट सीनियर हैं और मेरे जूनियरों में माशाल्लाह काफ़ी सारा दोस्त CSSP अफीसर बने। बट एनीवे अजे भी सारे, नवीद गोंदल साहब अपने जलाने वाले अजे भी प्रोफेसर यूनिवर्सिटी पूछ लो सारे, ज़्यादा तहकीक की लोड़ नहीं। टीपू राजे का ना ही बैंड ऑफ ब्रदर साडा ग्रुप आई, तो अलहमदुल्ला लीड दिया बंद चाहे। एनीवे हुण मैं कंकलूड करना जनाजे वाली गल उन्ना, वो भाई जी यही होंगे वाह हूँ जनाजा जो थे पड़ीन लगता ना, इतने जे शरीक आए होंगे ना, पहला डायलाग बिच वगात एक बंदा मारद वो या वेख्या सफा पूरिया ने ताक बनानियां, दब के बंदा बोलिया सारे एक बार उधर लो तकना है, पता लग गया आ गया। हूँ दूजा भी सोचता मुखालफ भाई यार इस हाजरी लवा ली हूँ मैं की करा, मगर दूजी आवाज आँगी जटे बाद ना कितों आवाज जी जरा खलोव्या आ कुछ बंदे अजे पिछे वजू पै कर दे थे उन्हें रला लो सारे ने एक बार रला लो, लो वो हाजरी लग गई
ਉਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾਸ ਛੱਡਿਆ ਮੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਫ਼ਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਜੀ ਆਖਰੀ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਪਿਆ ਬੋਲ ਸੀ ਆਹ ਬਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਾ ਭਾਈ ਅਗਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲੈ ਬਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਇਤਨੇ ਮੁਲਕੇ ਦੀ ਪਕਾਈ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਰੀਅਲੀ ਰੀਅਲੀ ਸੋਰੀ ਮੇਰੇ ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਹਟਾ ਚੜੀਏ ਔਰ ਸੋਰੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਟਾ ਚੜੀਏ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਨੇ ਦੋਸਤ ਆਖ ਰਹਿਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੇਖ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਵਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਐਕਸੈਂਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਈ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਵਸਦਾ ਅਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਅੱਲਾ ਬਾਦ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇੰਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ